कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट स्टार्ट हो चुका है अब स्किल टेस्ट में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है सेंटर वाइज बात करेंगे जो आपके डाउट्स हैं एक तो देखिए सबसे पहला डाउट ये है कि क्या नॉर्मल हो रहा है या हार्ड हो रहा है क्या पूछा जा रहा है ये सब के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मल या हार्ड प्रैक्टेस्ट या स्किल टेस्ट नॉर्मल या हार्ड नहीं जिसको काम आता है उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल है कल देखिए थोड़ा सा लेट हो गया कल ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तक भी रात में काम चल रहा था सेंट्रल्स पे कुछ जगह रात में लेट थोड़ा गया कैंडिडेट्स को तो उसका रीजन ये होता है कि फर्स्ट डे थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है और ये ऐसा नहीं होगा कि आज भी लेकिन आपको देखिए आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि दो से तीन दिन की आपको तैयारी के हिसाब से जाना है तो दो से तीन दिन वहाँ पर लगे ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर काम एक दिन में आपका हो जाएगा लेकिन थोड़ा रात में लेट हो सकता है खाने पीने का आपको ध्यान रखना है अपना सामान खाने के लिए साथ में रखने के लिए उसमें लिखा है सेंटर्स पर भी अरेंज करवाया जाता है कि वहीं पे आपको व्यवस्था करवा दी जाए लेकिन आप उस व्यवस्था के भरोसे ना रहें आप अपना जो भी है दोपहर का खाने का और इवन शाम का भी कि आप कुछ हल्का फुल्का पास हो बैग में तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अब जो पूछा कैंडिडेट्स ने कि ड्राइवर में तो देखे ड्राइवर में जो एस मॉडल है मुख्य रूप से और बोलेरो है लाइट व्हीकल के लिए बात करें और हैवी बात करें तो जो इनको पूरी तरीके से अच्छे से चला पा रहे हैं वो बिल्कुल क्वालिफाई हो रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में आप लोगों का डाउट है तो ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म फिल करने के बाद का होना चाहिए अभी तक देखे कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जिसका बाद का हो और उनको रिजेक्ट कर दिया गया हो दूसरी बात थंब का विशेष ध्यान रखना है थंब थंब आपका हो हो रहा है मिसमैच जाएगा एग्जाम में जो थंब हुआ था उससे मैच होना जरूरी है उससे यदि मिसमैच हो गया तो आप सस्पेक्ट में चले जाए उसके बाद सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आपका मैटर चला जाता है और उससे बचने के लिए कोशिश ये करनी है कि थम्ब अभी भी मैच हो उसके बाद जब आपका मेडिकल होता है उस टाइम पर भी आपका मैच हो कि तीनों मैच होने चाहिए कि किसी तरीके का कोई भी गलत तरीके से कोई कैंडिडेट एंट्री ना पाले फोर्सेस में इसके लिए फोर्सेस की तरफ से पूरी तरीके से ये सावधानी बरती जा रही है तो वो भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैच होगा या नहीं होगा बिल्कुल आप जेन्यून कैंडिडेट हैं तो मैच होगा और कोई यदि गलत तरीके का कोई प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके जाना चाह रहा है तो वो पकड़ा जाएगा अब कुक में क्या काम करवाया जा रहा है तो देखिए कुक में कल की जो जानकारी मिली है वो मसालों के बारे में पूछा गया है चपाती बनवाया गया है चपाती जिसका अच्छे से नहीं बन पाया वो बाहर हो गया अब हमारे पास जो कैंडिडेट्स वही मैसेज किए जो क्वालिफाई हो जो हमारा कोर्स लिए थे और कि सर मैंने आपका कोर्स लिया था मैं क्वालिफाई हो गया बड़ा अच्छा लगा मुझे बहुत फायदा हुआ तो आज थोड़ा सा आप हमारे साथ और बने रहिए आज क्योंकि जैसे जो कैंडिडेट डिस्कवालीफाई हो गया है वो क्या होता है कि हताश होना स्वाभाविक है और उसको हम यदि तुरंत ये पूछते हैं कि क्या हुआ कैसा हुआ थोड़ा बताइए तो वो उसकी मानसिक स्थिति उस समय ठीक नहीं है कि वो रात में बहुत लेट छोड़ा गया है कैंडिडेट्स को तो आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अपडेट मिले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और तमाम वो कैंडिडेट जो देखिए अभी सेंटर में हैं या कल सेंटर से आए हैं बाहर उनको भी ये कहना चाहूंगा कि कुछ अपडेट अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनके जो डाउट है वो क्लियर हो सके अब मसालों में क्या पूछा जा रहा है वही देखिए साबुत धनिया पूछा गया है पनीर के बारे में पूछा रेसिपी पूछा साउथ इंडियन में आप क्या बना सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉन्ड्री वाले जो हैं उनको भी इसी तरीके के बात करें डिटर्जेंट के बारे में पूछा गया है डिटर्जेंट पाउडर सोप ये क्या है लिक्विड डिटर्जेंट कौन से हैं वो बता दीजिए इजी का इस्तेमाल क्या होता है अंगोला शर्ट या मतलब गरम कपड़े की धुलाई करेंगे तो कैसे करेंगे वॉशिंग मशीन के बारे में पूछ लिया आयरनिंग जो है वो करवाया जा रहा है वॉशिंग मशीन का जो सेटिंग है उसका ध्यान रखना है कि टी-शर्ट की धुलाई करनी है शर्ट की धुलाई करनी है कहां से शुरू करेंगे मैनुअल धुलाई है जो के लॉन्ड्री के टैग होते हैं उसके बारे में पूछताछ की जा रही है तो अब जो लॉन्ड्री टैग कहाँ होगा कि कपड़े का कैसे ध्यान रखना है उसके बारे में बताता है लॉन्ड्री और वो रेडीमेड गार्मेंट्स पर ही आपको मिलता है जो टेलर मेड होते हैं कपड़े यानी कि हम टेलर से बनवाते हैं या यूनिफॉर्म भी होती है तो उस पर वो नहीं तो वहाँ पर क्या यूनिफॉर्म यानी यूनिफॉर्म भी है साथ में सिविल कपड़े भी हैं वहाँ पे शर्ट वगैरह इस तरीके के हैं बाजू फोल्ड करना विशेष रूप से सीख लेना है आपको कि फोर्सेस में हाफ बाजू का शर्ट नहीं होता है फुल का ही होता है लेकिन जब उनका मौसम के अनुसार उनको हाफ पहनना होता है तो वो फोल्ड तो ये ध्यान रखना है आयरनिंग का जो है कि उसमें जो फॉल्ट है मुख्य रूप से वो स्विच वाला फॉल्ट है कि आप जाते हैं आयरनिंग पे वहां पे स्विच को एक बार हाथ लगा के जरूर देख लेना ऑन है तो बहुत अच्छी बात है ना है तो भी आप ऑन कर लेना है उसको ऑन है तो आपने हाथ लगा लिया वहां पे पता चल गया कि आपको पता है स्विच ऑन करना है दूसरी बात जो टेबल है उस उसपे गद्दा जरूर देख लेना कि कुशन हो उस उसपे ऐसा नहीं हो कि डायरेक्ट ही बेडशीट हो और आप बेडशीट पे ही डायरेक्ट आयरन करना शुरू कर देंगे तो वो नहीं कि वो यही सब फॉल्ट छोटे छोटे वो आप बेस जो उसकी बारीकियां उस ट्रेड की वो आपको आ रही है, नहीं आ रही रही नहीं ये चीज देखी जाती है सफाई कर्मचारी दी हम बात करते हैं तो जैसे रूम की सफाई दी जाती है वहां पर यदि कोई मंदिर या कोई देवता का स्थान वहां पर है तो सबसे पहले उसकी सफाई होगी तो उसका वो तो अपना प्रणाम करना है अपने धर्म के अनुसार और वो किसी भी धर्म का हो सकता है ऐसा नहीं है कि आपके धर्म का ही हो तो भी आपको अपने धर्म के अनुसार उसका को प्रणाम करना है साफ कपड़ा एक अपने पास जरूर रखें चाहे जो भी आपका ट्रेड हो जहां सफाई की जरूरत पड़े वहां पर ऐसा नहीं है कि आप रुमाल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें वो फॉल्ट हो जाएगा वहां आप परेशानी पड़ जाए और आज शाम तक देखिए जो भी अपडेट मिलता है वो आपके लिए लेकर फिर से हाजिर होंगे तो बने रहिए हमारे साथ और गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं उनका कल हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला रात में भी कैंडिडेट्स के मैसेजेज आ रहे थे कि मैंने कोर्स लिया और आज कोशिश करेंगे कि किसी कैंडिडेट से फोन पर भी बात करके उनका रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे जय yeah. हिंद